नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सॉस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज। और दोस्तों, आज जो क्वेश्चन लेकर आए उसमें हम ये देखें कि एंगुलर 5 और एंगुलर 6 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने सहोस ऑफ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि एंगुलर का जो मोटिव है कि कोड को जितना से जितना ऑप्टिमाइज कर दिया जाए, स्मॉल कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि हमारा एप्लीकेशन फास्टर हो और इजियर हो जाए, उसी चीज़ को मानते हुए एंगुलर ने 6 को और ज़्यादा 5 के कंपेयर में और ज़्यादा स्मॉलर कर दिया है, फास्टर कर दिया है और इजियर कर दिया है, राइट। तो और इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप करके कि क्या क्या नया लाया है एंगुलर 6 में और क्या चीज़ 5 में नहीं था, राइट। तो पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि हम इसको अपडेट कैसे करेंगे। तो हमारा एक कमांड है, CLI कमांड होता है, तो उसमें ng अपडेट जैसे ही लिखेंगे तो क्या करेगा दोस्तों कि हमारी जितनी भी डिपेंडेंसी जो होगा लेटेस्ट वर्जन का, वो सबको अपडेट कर देगा। ng अपडेट इज नॉर्मल पैकेज मैनेजर टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड अपडेट अदर डिपेंडेंसी एजेबल, राइट। तो दोस्तों, ng अपडेट कमांड है जिससे हम रन करके अपने cmd कमांड पर, CLI कमांड पर, नोट जेएस का कमांड होता है उस पर या फिर कमांड पर, तो हम अपने एप्लीकेशन के डिपेंडेंसीज को, प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज को अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो अगली बात आती है दोस्तों कि एंगुलर 6 में RxJS6 आया है, उसमें क्या है कि दो इम्पोर्टेंट चेंज आया है। एक तो यह है कि RxJS6 इंट्रोड्यूस ए न्यू इंटरनल पैकेज स्ट्रक्चर और एक अपडेटर कंसेप्ट लाया है उन्होंने, राइट। इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि npm install डैश डैश सेव RxJS एड्रेस 6 करेंगे तो हमारा क्या होगा कि RxJS क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। सिंपली उसका नीचे का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को भी हम कैसे अपडेट करेंगे, आप नीचे वाला कमांड लिखकर सिंपली रन द बिलो कमांड एंड अपडेट योर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट npm install डैश डैश सेव और RxJS कम्पैक्ट करके, राइट। तो दोस्तों, अगला चीज है कि RxJS जो है हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, पहले कैसे करते थे अब कैसे करेंगे, ये चीज हम देखते हैं इसमें। एंगुलर 5 हम क्या करते थे, ऑब्जर्वेबल को हम जैसे ही इंपोर्ट करना होता था तो अलग अलग करते थे कि ऑब्जर्वेबल फ्रॉम RxJS / ऑब्जर्वेबल, राइट, और सब्जेक्ट को उसी तरीके से RxJS / सब्जेक्ट। लेकिन नाउ इन एंगुलर 6 हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ऑब्जर्वेबल सब्जेक्ट फ्रॉम RxJS, मीन्स कि मल्टीपल टाइम्स हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम RxJS से एंगुलर 6 में हम कर लेते हैं, कर सकते हैं, राइट। तो अगला दोस्तों होता है कि ऑपरेटर कैसे इंपोर्ट करेंगे, सेम चीज हम ऑपरेटर में कैसे एंगुलर 5 में करते थे, इंपोर्ट RxJS एड ऑपरेटर मैप इस तरीके से, और अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इंपोर्ट एड मैप थ्रोटल जो भी है हमारा फ्रॉम RxJS ऑपरेटर डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे एंगुलर 6 में, राइट। तो दोस्तों, अगला चीज ये है कि इन्होंने मेजर जो चेंज लाइन इन्होंने कि टेम्पलेट का नेम, इन्होंने जो टेम्पलेट टैग है उसका नेम इन्होंने ng टेम्पलेट कर दिया, राइट। पहले आप देख सकते थे कि हम टेम्पलेट को जैसे ही सिंपल टेम्पलेट से यूज करते थे, अब हम एंगुलर 6 में ng टेम्पलेट करके यूज कर लेते हैं, राइट। अगला दोस्तों है कि अगर हम सर्विस लेवल की बात करें तो आपको पता है कि अगर आप एंगुलर 5 में काम कर रखा है आपने, तो उसमें हम क्या करते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर हम सर्विस का नेम, मीन्स कि जो भी हमें सर्विस यूज करना होता था तो हम प्रोवाइडर्स के अंदर जाकर उस सर्विस के नेम को रजिस्टर करते थे, जैसे कि अभी और देख सकते हैं यहाँ पर हम कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि प्रोवाइडर्स के अंदर माई सर्विस को हमने डाल दिया है, जो कि ये एंगुलर 5 का चीज है। लेकिन नाउ एंगुलर 6 में अब हम प्रोवाइडर्स के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको यूज करना है वहां पर रजिस्टर कीजिए, अपने इंपोर्ट कीजिए सर्विस को, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि ये सर्विस में भी उसको इंपोर्ट करने का या डिक्लेयर करने का ये चेंज आया है एंगुलर 6 में, राइट। अगली चीज है दोस्तों कि इन्होंने एंगुलर 6 में एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, राइट। मीन्स कि द एलिमेंट आर ए फीचर दैट अलाउ यू टू कंपाइल एंगुलर कंपोनेंट टू नेटिव वेब कंपोनेंट विच यू कैन यूज इन योर एंगुलर एप्लीकेशन, मीन्स कि आप डायरेक्टली नेटिव वेब कंपोनेंट में इसको कंपाइल कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए आपको एड्रेट एंगुलर बैकस्लैश एलिमेंट यूज करना होता है, राइट। मीन्स कि ये नया इन्हांसमेंट आया है एंगुलर 6 में, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलिमेंट्स को। और दोस्तों, हम एक चीज बात ये देख लेते हैं कि कुछ ऑपरेटर्स को इन्होंने रीनेम कर दिया,
जैसे कि डू को इन्होंने टैप कर दिया, कैच को कैच एरर, फाइनली को फाइनलाइज, स्विच को स्विच ऑल, इस तरीके से इन्होंने जैसे फॉर्म प्रोमिस को फॉर्म इन्होंने कर दिया, मीन्स कि कुछ ऑपरेटर्स को इन्होंने रिनेम कर दिया। ये सब मेन जो ऑपरेटर्स है उसको हमने आपको दिखाया, लिस्ट आउट किया यहाँ पर। अगली बात दोस्तों बात करते हैं हम कि इन्होंने जो फॉर्म बिल्डर जो एरे है उसके अंदर मल्टीपल वैलिडेटर को भी यूज कर सकते हैं, इन्होंने एंगुलर 6 में बताया। जैसे कि हम पहले क्या करते थे कि जैसे ऑप्शन डॉट डी सर पे फॉर्म एरे जो है इसमें हम मल्टीपल यूज कर ले रहे हैं वैलिडेटर्स, लेकिन पहले हम क्या करते इसको के लिए हमें कंपोज करना पड़ता था, लेकिन नाउ इन एंगुलर 6 हम एरे के अंदर डायरेक्टली मल्टीपल वैलिडेटर्स को यूज कर सकते हैं कॉमा लगाकर, राइट। अगला दोस्तों कि एक जो मेन चीज जो देखने वाली चीज है, आप अगर एंगुलर 5 में यूज कर रहे हैं तो अगर वहां पर आपने देखा होगा कि एंगुलर CLI.json फाइल मिलता था, बट इन्होंने एंगुलर 6 में क्या आ गया, एंगुलर .json आ गया, राइट। ये इन्होंने एक मेजर चेंज किया है, मीन्स कि इंस्टीड ऑफ एंगुलर CLI.json यूजिंग एंगुलर JSON, राइट। अब इसको अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ng अपडेट एंगुलर बैकस्लैश CLI, हम आप जैसे ही क्या करेगा इसको अपडेट कर देगा, राइट। आप जैसे ही अपडेट करेंगे एंगुलर को तो आप देखेंगे कि जो पहले एंगुलर 5 में एंगुलर डैश CLI.json फाइल था वो कन्वर्ट हो जाएगा एंगुलर .json में, राइट। और दोस्तों लास्ट चीज हम ये देखने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ नेविगेशन सोर्स एंड रिस्टोर्ड स्टेट टू नेविगेशन स्टार्ट, मीन्स कि राउटिंग में भी एक कुछ कंसेप्ट आया है जिन्होंने ऐड किया है कि दिस न्यू प्रॉपर्टी हेल्प अस टू हैंडल मल्टीपल केस इन राउटिंग। मीन्स कि पहले क्या होता था दोस्तों कि हम यहाँ पर जो चेंज एनजी मॉडल चेंज है उसके लिए हमने क्या करते थे कि अपडेट होने से पहले इमिट करते थे, बट नाउ इमिट आफ्टर वैल्यू द वैल्यू एंड वैलिडिटी इज अपडेटेड, मतलब कि जैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाता है उसके बाद इमिट होता है, बट पहले क्या होता था कि पहले इमिट हो जाता था उसके बाद अपडेट होता था। पहले हम कोड कैसे लिखते थे दोस्तों, यहाँ पे ऑन चेंज वैल्यू और उसके क्या वुड लॉग द अपडेटेड वैल्यू नॉट ओल्ड वैल्यू, बट अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज हम एनजी मॉडल के साथ यूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि वुड लॉग ओल्ड वैल्यू नॉट अपडेटेड वैल्यू, मीन्स कि यहाँ पर ओल्ड वैल्यू होता है अपडेटेड वैल्यू नहीं होता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो कि डिफरेंस है एंगुलर 5 और 6 में, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।